देखो हमारे साथ में है कप्तान सिंह जो मथुरा उत्तर प्रदेश से आए हैं। कप्तान, क्या स्कोर है आपका अभी गुल में? 73 73 कैटेगरी क्या है? एससी एससी कैटेगरी, 73 SC कैटेगरी है। और कप्तान को लगभग 10 दिन हो गया है यहाँ पे, तो जैसा 5 नॉट और 5 बॉल बजा रहे हैं। जब आप आए थे तब बिगुल के बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं? नहीं, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल जीरो। लेकिन 73 पे आप, ये कंफर्म है कि मेरिट हो जाएगी? दौड़ और अच्छी चल रही है अभी। हाइट भी हो जाता है? पहले हाँ, 71.5। नपा है किसी भर्ती में? हाँ, नपा पहले सीआरपीएफ नपा। का है। कॉल आप, ये जो है ये कौन सा कॉल है? ये देखो, अब इसके ऊपर लिखा नहीं है लेकिन ये देख के बता देंगे कि कौन सा कॉल है। फायर कॉल फायर अलार्म। नहीं सर, आप कौन सा सबसे बढ़िया बजा लेते हो? फायर फायर हो जाते थे। बजा देते हो? और ये कौन सा है? विक्ट्री कॉल, इस पे तो लिख दिया। विक्ट्री स्टैंड कब बजाया जाता है? उसके सरे विक्ट्री जो विजेता होता है उसके पुरस्कार के लिए बजाता पुरस्कार के लिए। और है। वीआईपी कॉल, ये कब बजाया जाता है? जब कोई अधिकारी वीआईपी लोग आते हैं उनके लिए। वीआईपी लोग आते हैं। ठीक है, तो देखो जिसको पता नहीं होता उसके लिए तो सारे ही एक जैसे हैं। उसके लिए तो सभी एक जैसे हैं। पहले आप लोग जब आए थे तब कैसे फूंक मार रहे थे? मार रहे थे तो गाल तो फूलेगा ही नहीं। पहला नियम है कि नहीं इसका, कि गाल नहीं फूलेगा। तो और रियाज करना है बढ़िया। और यस बाकी लोग भी जो देखो कल आए हैं वो भी बिगुल एक दूसरे से एडजस्ट करके। और बिगुल अभी अपना कितने दिन में आ रहा है? पर 2 दिन ऑर्डर करता ही दूसरे दिन आ जाता है। तो बिगुल आ जाएगा, बढ़िया सीखना है। और देखो नाम करना है, ऐसा नहीं है कि भाई अपन कुछ नहीं करेंगे। भाई खराब करने के लिए तो बहुत से लोग हैं कि आप लोगों को देश भर के लोग देखते हैं। और आपको हो सकता है कि वहां पर भी लोग मिलेंगे कि यार आप तो, आपका तो हमने वीडियो देखा था, आप तो वहां सीख रहे थे। तो बढ़िया बजाना। देखो इस बार क्या कॉम्पिटिशन हार्ड होने जाए। हार्ड क्यों होने जा रहा है? एक तो देखो सारा काम एक साथ कर दिया कि मेडिकल भी साथ में कर दिया। अब मेडिकल भी साथ में कर दिया तो मेडिकल के लिए मौका नहीं मिलेगा। टैटू जैसे पॉइंट में अभी हेड कॉन्स्टेबल में आज एक बच्चा मैसेज कर रहा था कि उसको बीपी के पॉइंट में उसको बाहर कर दिया। अब वो क्यों बीपी बढ़ गया? कि उसके हाथ पे कट लगे हुए थे उसके, तो वो उसको छुपाने के चक्कर में उसके टेंशन थी। जबकि उसको मैंने एडवाइज किया था कि भाई आप इसको क्या है कि इसको कटवा के आप स्किन ग्राफ्ट करवा लो और ये बता देना वहां पे कि मैंने टैटू रिमूव करवाया था। लेकिन वो काम नहीं किया। 2 महीने पहले वो करवा था, उसके वजह बीपी बढ़ गया, 140 से ऊपर चला गया। अब बीपी तो अपन जब जाते हैं कहीं परीक्षा देने तब भी बढ़ जाता है, या कैंप के अंदर जाते हैं वहां बढ़ जाता है। तो और किसी का नौकनी या इस तरीके का है वो भी देखो, जयसिंह जी जो है वो बताते हैं एक्सरसाइज, सुबह आपको दौड़ करवाते हैं तब देखते हैं वो होता है, वो भी बताते हैं। तो बढ़िया करना है। ठीक है।